आप लोग सब एक से जाओगे क्या? तो मैं उनको उससे भी कर दूंगा। एक मिनट का मैं अभी मिलेगा आपको, व्यू मिल रहा है? दो मिनट का ही मेकिंग इसको हम लोग बिगनिंग वाले सीन में आफ्टर द थिंग फोटोग्राफ से जो ऊपर जाता है उसमें ना कि वी गेट शुड वी गेट द सोने दो द थिंग आगे जाके वो तेरा फेवरेट बैला भी है I mean, वो राग के नोट्स ही ऐसे कि you know, after some time you can't remember another song. वो राग दिमाग में चलता है। I think वो सीक्वेंस हम लोग वो बिल्डिंग के जो शॉट्स हैं। तभी नोट नहीं। काट दिया। No, but how do we strike a balance? I think lot of silences and all that because the kind of performances and all that they have done. I think. I don't want to do something ke spoil that also, you know, overpower that. Supplement the bath or whatever. The section we have is where he gets the job and that whole thing we can dig into a lot. Can move. There is also the thriller angle. It's good. But then you have to go with that. How is it? Switch on, switch on, right? तिनका कर बटोरा और बनाया घर पर समय की बारिशों ने कर दिया continue kar liya ha।
बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग ऑफ द फिल्म टुडे ना, थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि इस फिल्म में इम्पोर्टेंस क्या है बैकग्राउंड का? हर फिल्म में जैसे एवरी एलिमेंट इन द फिल्म इज इम्पॉर्टेंट, जैसे परफॉर्मेंसेज है, एक्टर्स है, एडिटिंग है, साउंड है, तो उसी तरह से बैकग्राउंड एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे गाने हैं वैसे बैकग्राउंड भी एक अहम हिस्सा है, तो जो फिल्म के एक मूड को, इमोशंस को ऑडियंस को उसमें ड्रॉ करने में जो एक्सपीरियंस है फिल्म का पूरा, उसको कंप्लीट करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़रूरी होता है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा दे दिया या थोड़ा सा फिल्म के साथ सिंक में ना गया जाता हो बैकग्राउंड म्यूजिक, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है फिल्म का। तो बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि भाई वो एक आखिरी आपका जो फिनिशिंग लाइन पे एक आखिरी बड़ा काम होता है, क्रिएटिव काम होता है, जिस जो बहुत संभल के करना पड़ता है। मतलब मुझे सर ने बताया कि हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, सो आई थॉट कि बिकॉज ये फिल्म हमने बहुत प्यार से बहुत दिल से बनाई है, मतलब तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पीछे रहूं, मैं भी आना चाहता था और मैं देखना चाहता था कैसे काम हो रहा है। और देखिए एज एन एक्टर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस को एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक एनहांस कर सकता है, तो वही आई थिंक राजू ने वो मैजिक किया इस फिल्म के साथ, परफॉर्मेंस को बहुत एनहांस कर दिया आज म्यूजिक के साथ। आई टेक बैकग्राउंड म्यूजिक एज इट्स एन आउटलाइन गिविंग ब्यूटीफुल कलर, सो फेडेड हो, ज्यादा ब्राइट हो, सेम वे द पिक्चर जैसे स्पॉइल किया, आई थिंक आई टेक इट दैट बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे हम लोग अंडरलाइन करनी होती सर्टन चीजें जो द डायरेक्टर इज हॉट ऑफ इट, कि कभी कभी म्यूजिक स्पीक कर रहा होगा, यू नो देयर इज नो डायलॉग बट म्यूजिक हैज टू से समथिंग, एंड एवरी टाइम आई वर्क विद हिम ऑन अ फिल्म और अ प्रोजेक्ट आई थिंक देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। राजकुमार जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बेदी को कहा था कि काफी टफ किरदार है आपके लिए, सिटी लाइफ में जो आपका किरदार है काफी टफ है, तो किस तरह का किरदार है जानना चाहूंगा? ये कैरेक्टर है दीपक सिंह, ये राजस्थान के बहुत ही एक छोटे से जगह से आया है और पहली बार एक शहर में आया है, वो भी बॉम्बे जैसे बड़े शहर में आया, तो उसी की उनकी उसकी फैमिली उसकी उसकी फैमिली की कहानी है ये, वो कैसे बॉम्बे उनको ट्रीट करता है इतने बड़े शहर में, उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा है। तो टफ इस लिहाज से था कि एक्सेंट था काफी राजस्थानी इसमें और इमोशन बहुत बहुत चैलेंजिंग रहा है कैरेक्टर मेरे लिए, इट्स वेरी हाई ऑन इमोशंस। और पहली फिल्म में जो है शाहिद में आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो दूसरी फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीदें तो बता देखते हैं, अभी नहीं बताना चाहूंगा मैं, उम्मीदें तो सबको होती हैं, मेरी भी बहुत उम्मीदें हैं, क्यों ना।